ये तो पता चले कि शहरों में गिट्टी तोड़ने का काम कौन कर रहा है, मिट्टी उठाने का काम कौन कर रहा है, दिहाड़ी मजदूर जो 52% है उसमें क्या है जातिगत पृष्ठभूमि। जब तक आपके पास ये आंकड़े नहीं होंगे, ये वैज्ञानिक आंकड़े नहीं होंगे ना, तब तक आपकी विकास की सारी नीतियां हवा हवाई होंगी। जातिगत जनगणना के आंकड़े जब सार्वजनिक होंगे तो बहुत सारे मिथक टूटेंगे और उन मिथकों के टूटने के पश्चात संभवतः राजनीति की भी दिशा बदलेगी। शायद कई लोग होते हैं स्टेटोस्कोइस्ट होते हैं कि जो चल रहा है, अगर 10-12% लोगों का पूंजी और संसाधन पे कब्जा है, साधनों पे कब्जा है, तो यह बरकरार रहे। जाहिर है कि जब वो वैज्ञानिक आंकड़े सार्वजनिक हो जाएंगे तो लोग हिस्सेदारी मांगेंगे। बिहार में जो कुछ सर होने जा रहा है उस मुतालिक फिर 1 जून को सभी दलों को चिट्ठी लिखी गई है कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जाति जनगणना को लेकर बैठक हो। ये सिर्फ जाति जनगणना को लेकर अंतिम और आखिरी बैठक माना जाए या इसके पीछे और भी राजनीतिक गणित? देखिए, कुछ कोई गणित नहीं है। मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि लोग इसमें भी राजनीति तलाशते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी ने 2010-11 में इसकी आवाज बुलंद की है। 11 के सेंसस में लालू जी और शरद जी, इवन बीजेपी के कुछ लोग, उस दौर के बीजेपी के, उनकी सहमति थी। फेक डेटा के बारे में बताया गया जब मोदी जी की सरकार आई कि डेटा करप्ट हो गया। अब जाहिर है हम जानते नहीं कि डेटा करप्ट हुआ या कहां करप्शन था। दिक्कत यह है कि आप अगर देश को प्रगति के पथ पर ले जाना चाहते हैं तो प्रगति में सबका चेहरा दिखे। ये तो पता चले कि शहरों में गिट्टी तोड़ने का काम कौन कर रहा है, मिट्टी उठाने का काम कौन कर रहा है, दिहाड़ी मजदूर जो 52% है उसमें क्या है जातिगत पृष्ठभूमि। जब तक आपके पास ये आंकड़े नहीं होंगे, ये वैज्ञानिक आंकड़े नहीं होंगे ना, तब तक आपकी विकास की सारी नीतियां हवा हवाई होंगी। उसी दृष्टिकोण से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने जब इस मांग को उठाया तो फिर नीतीश जी, मुख्यमंत्री जी, हमारे अन्य दल के लोग भी आए, फिर आकर के यहां प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई, फिर इसे ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश हुई। लेकिन जब किसी मांग के प्रति एक जन उभार आ जाता है तो आप उसको दरकिनार नहीं कर सकते। उसी दृष्टिकोण से देखिए कि 1 तारीख को यह तय किया गया है कि सारे दल के लोग वहां बैठेंगे, नेता प्रतिपक्ष स्वयं होंगे, अलग अलग दलों के लोग होंगे, मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और ये जो जातिगत जनगणना है वो विकास की नई इबारत लिखेगी अगर ईमानदारी से ये वैज्ञानिक आंकड़े जुटाएगा। अब तक जो केंद्र में सरकारें रही है, केंद्र सरकारों का भी मानना रहा है कि विकास योजनाओं को प्लानिंग करने के लिए जनगणना जरूरी होता है, तो फिर आप लोगों का इशारा और निशाना जिस पार्टी की तरफ होता है उनको क्या ऐतराज हो सकता है? देखिए, एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि जातिगत जनगणना के आंकड़े जब सार्वजनिक होंगे तो बहुत सारे मिथक टूटेंगे और उन मिथकों के टूटने के पश्चात संभवतः राजनीति की भी दिशा बदलेगी। शायद कई लोग होते हैं स्टेटोस्कोइस्ट होते हैं कि जो चल रहा है, अगर 10-12% लोगों का पूंजी और संसाधन पे कब्जा है, साधनों पे कब्जा है, तो यह बरकरार रहे। जाहिर है कि जब वो वैज्ञानिक आंकड़े सार्वजनिक हो जाएंगे तो लोग हिस्सेदारी मांगेंगे, भागीदारी मानेंगे। शायद भागीदारी हिस्सेदारी के वो जो आने वाले सवाल है उससे पहले से ही अगर डर बैठ जाए, खौफ बैठ जाए, तो आप चाहते हैं किसी न किसी प्रकार इसको खारिज किया जाए, मुलतवी किया जाए।